गुजरात में पैदा हुआ तो वहाँ फादर का रसोई का काम था। अच्छा। तो मैंने अपने हाथों से 500-500 आदमी का खाना बनाया हुआ। अच्छा। बहुत हार्ड वर्क किया। आज हमारे साथ में मिस्टर दीपक जोशी हैं, LIC एजेंट्स के लिए IOE इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस नामक एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की। फिर बॉम्बे आके टेक्सटाइल मिल में काम किया, वहाँ भी हार्ड वर्क किया। ओके। अच्छा। हमारे गांव में जब सबके पास साइकिल होती थी तभी एक आदमी मोटरसाइकिल लेके आता था, तो पूरे बच्चे लोग दौड़ के उसको देखने को जाते। ही वाज LIC डेवलपर। अच्छा। ओके। तो तभी से था कि LIC से गुड प्रॉफिट। ओके। मैं कभी इस काम को बुरा नहीं मानता। कचरा निकालना है तो अच्छी तरह निकालो, झाड़ू मारना अच्छी तरह निकालो, सफाई करना अच्छी तरह करो, खाना बनाओ अच्छी तरह करो, जो भी काम करो दिल से करो अच्छी तरह करो। बॉम्बे में मुझे 40 लोग जानते, उससे ज्यादा कोई जानता नहीं। ओके। 40 लोग में 21 लोग की पॉलिसी कर ली, एज यूजुअल 8-10 लोगों ने तो हमने से दोस्ती तोड़ ली, उनके उसका नाम सुन। अच्छा। ओके। अप्रैल में एजेंसी टर्मिनेट हो गई। ओके। अभी 400 रुपया पगार था और 800 रुपया LIC कमीशन आता था। अच्छा। ओके। मेरी मंथली मीटिंग जो होती है आपसे मैं जिंदगी में काम नहीं मांगू। ओके। और ये कुछ नया बात है, मेरा 5.25 लाख समय से 21 लाख से पॉलिसी बंद हुई, एजेंसी बंद हुई थी। पहले साल 20 लाख का काम हुआ। अच्छा। दूसरे साल 60 लाख का काम। ओके। तीसरे साल 1 करोड़ हुआ। ओके। चौथे साल 2 करोड़ हुआ। क्या बात है। पांचवे साल ब्रांच का नंबर 1 एजेंट हो गया। क्या बात है। छठे साल डिवीजन में रैंकिंग। ओके। आठवें साल नौवें साल में MDRT हो गया, तभी से लेकर 93 से लेकर कंटिन्यूस MDRT हो गया। फिर एक पॉलिसी में 1 करोड़ प्रीमियम। ओके। पॉलिसी में 50 लाख प्रीमियम, मतलब कोई ऐसे रिकॉर्ड नहीं रहे। अच्छा। हमने तोड़े। एक साल में ऐसा था LIC मेरी ब्रांच का पूरे साल का टारगेट 12 करोड़ समय था। ओके। और मैंने वो साल में एक ही फैमिली में 2 भाई को 12 करोड़ का पॉलिसी दी। क्या बात। 6-6 करोड़ की 2 पॉलिसी, पूरे साल का टारगेट मैंने एक ही फैमिली में दिया।